क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग, पहला हमारा पार्ट है, क्या दिया हुआ है हमें, 20% ऑफ 800। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, 20 की जगह लिखोगे 20, परसेंट की जगह लिखोगे नीचे 100, ऑफ की जगह लिखोगे मल्टीप्लाई 800 लिख दोगे, ठीक है। अब डिवाइड कैसे होता है, ऊपर वाला नीचे वाले से डिवाइड होता है, ये इससे डिवाइड कर सकता हूँ, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, ऊपर वाला नीचे वाला डिवाइड, तो 10 से 10 कटा, 10 से 10 कटा, नीचे सब कुछ खत्म हो गया सिवाय 1 बचा है, 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, 2 8 16, 0 है 0, तो ये मेरा आंसर हो गया 160। सेकेंड पार्ट देखिए, 2.5% ऑफ 750। दोबारा से 2.5 लिखेंगे, परसेंट की जगह नीचे लिखेंगे 100, ठीक है। एक और चीज़, ये पॉइंट वाला, तो पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है 10, ऐसे लिख दिया, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लिखेंगे, यहाँ पे 750 लिखेंगे, ठीक है जी। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये हो गया ये 1 2, ठीक है, चलो ऐड कर लो, 3 0 हो गए, 3 0, ठीक है, नीचे हो गया 750। अब 10 से 10 कट गया, अब देखो आखिरी में 5 हो या आखिरी में 0, तो 5 से डिवाइड होता है, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 0, ठीक है। दोबारा होगा 5 1 ज़ा और 5 4 ज़ा 20, अब 4 से मुझे इसको डिवाइड करना है, तो 75 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, कितना बच गया, 3 बच गया, 5 उतार लिया, 4 8 ज़ा 32, कितना बच गया, 3, पॉइंट लगाया 0, 4 7 ज़ा 28, कितना बच गया, 2, 0, पॉइंट है तो 0 आ जाएगा, 4 5 ज़ा, तो कितना आंसर आ गया इसका, 18.75। थर्ड देखिए, 33 1/2% ऑफ 1220, पहले इसको सॉल्व करेंगे, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 66, प्लस को प्लस 1 करेंगे 67 अपॉन में 2% ऑफ ये, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए परसेंटेज लगाते हैं हम 100 लगाते हैं, कहाँ, नीचे, तो नीचे तो 2 पहले से है, तो इसी के साथ लगाएंगे 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन 1 2 0 0, ठीक है, 1 2 1 2, 2 6 ज़ा 12, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 6 7 6 7 मल्टीप्लाई 6 4 0 2, ये मेरा आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए, 145% ऑफ 300, ठीक है, तो लिखेंगे 145% की जगह पे 100, ये 300 नहीं है, 30 है, क्या हो रहा है मेरे को भाई, ठीक है, 1 से 1 कट गया, अब कटेगा, चलो हम बाद में काटेंगे, जब भी नीचे ऐसा बच जाए ना 1000, तो उसको बाद में काटते हैं, देखते हैं, 3 5 ज़ा 15 का 5, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 और 1 13 का 3, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 4 अपॉन में 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 3 5, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है 10 है, 10 मतलब 10, तो एक डिजिट के बाद क्या आ जाएगा।